अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, किचन लज्जत में आज आपका इस्तकबाल है। आज एक बहुत ही नई और यूनिक सी रेसिपी हम तैयार करेंगे और वो होगा स्टफ्ड कैबेज रोल्स। चलिए इसको बनाते हैं। ये लेबनान की एक रेसिपी है जो वहाँ बहुत ही शौक से खाई जाती है। चलिए किचन लज्जत में आइए हमारे साथ और इसका देखिए किस तरीके से इसे तैयार करना है। एक बड़ा सा कैबेज लेना है हमें और उसको इस तरीके से काटेंगे कि इसके पत्ते जो हैं वो इंटैक्ट रहें। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कैसे काटना है। कोशिश कीजिए कि इसके पत्ते जो हैं ये टूटने ना पाए। साबुत निकालने हैं हमें और थोड़ा सा इसके लिए हमको एहतियात से काम करना होगा। देखिए यहाँ पर सेंट्रल में ये जुड़े हुए हैं, इसको हल्का सा काटेंगे और इसका ये निकाल लेंगे कवर। हाँ, हमने पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया है। अगर आपसे इसके परत जो है या अलहदा ना हो, सेपरेट ना हो, तो आप इसको गर्म पानी में थोड़ी देर रख के फिर इससे इजीली निकल आते हैं। बहुत एहतियात से निकालेगा क्योंकि ये जब गर्म हो जाते हैं तो इसको पकड़ना मुश्किल होता है। अब इन पत्तों को जो है एक एक करके ब्लेंच करेंगे हम गर्म पानी में। देखिए इसको गर्म पानी में डालेंगे एक एक को, हाफ मिनट या वन मिनट के लिए इसको फिर हम निकाल लेंगे ताकि ये थोड़े से नरम हो जाए। इसके तमाम लीव्स को जो है हम इसी तरीके से गर्म पानी में डाल के ब्लेंच करके निकालेंगे। व्यूअर्स देखिए इसको सबको हमने ब्लेंच कर लिया है और अब हम इसका रोल्स बनाने के लिए सबसे पहले जो प्रोसेस करेंगे वो है इसका जो सख्त हिस्सा है डंठल, इसको निकालेंगे। एहतियात से निकालना है। पत्ते बड़े हैं अगर तो दो हिस्से कर लीजिए इसके, बहुत बड़े रोल नहीं बनाएंगे। जो छोटे पत्ते हैं उनको आप इंटैक्ट रखिए, उनको दो मत करिए। जो बड़े बड़े हैं उनको हम दो करेंगे। व्यूअर्स देखिए इसके सभी के हमने डंठल निकाले हैं और ये तैयार हो चुके हैं कवरिंग के लिए। तो चलिए पहले हम इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने कच्चे चावल लिए हैं और इसको भिगोया था पहले 15 मिनट, अच्छी तरीके से फूल गए हैं। इसको हम कच्चा ही लेंगे फिलिंग के लिए और अब हम इसमें डालेंगे कीमा। कीमे को अच्छी तरीके से धो लेना है, बारीक कीमा भी ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो मोटा कीमा भी ले सकते हैं। और अब इसमें जाएगा नमक जायके के मुताबिक, क्योंकि चावलों में भी हमको नमक चाहिए। ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून भर की और हमने इसमें डाली है कश्मीरी मिर्च 1 टीस्पून और अच्छी तरीके से सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे। इनको हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि चावल में कीमा और मसाले मिल जाएं। देखिए एक हफ्ते ये ले लिया है, लीव्स लिया है कैबेज का और अब हम इसमें फिलिंग रखेंगे और इसका रोल बनाएंगे। रोल बनाने के लिए कोशिश करिए कि दोनों सिरे भी इसके जो है फोल्ड हो जाएं। बहुत ज़्यादा फिलिंग मत रखिए। अब हम इसको फोल्ड कर रहे हैं जैसे अरवी के पत्ते फोल्ड करते हैं आप, इसी तरीके से इनको फोल्ड करना है। बहुत छोटा अगर लीव्स होगा तो इसको आप दो लेके बीच में से इस तरीके से रख सकते हैं। देखिए इसको इस तरीके से इसके फोल्ड करिए इसके दोनों किनारे। और दबा के भरिए। व्यूअर्स देखिए ये तमाम रोल्स जो हैं बनके यहाँ तैयार हैं और अब हम इसको पकाने का इंतजाम करते हैं।
ठीक है, हमने नॉन स्टिक पैन लिया है, नॉन स्टिक पैन ही लीजिए, इससे ज़्यादा अच्छा बनता है। इसमें हम पहले ऑयल डालेंगे बेस में, थोड़ा सा इसको ब्रश कर लेंगे चारों तरफ। क्यूमिन पाउडर डालेंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा सॉल्ट छिड़केंगे, देखिए जितने इसके अंदर आएंगे इतने हम रखेंगे, दूसरा बैच कर लेंगे। फिर अब इसके अंदर जो है हम लहसुन क्लॉज रखेंगे बीच बीच में, साबुत ही रखने हैं छिलका उतार के, और इसको एक के ऊपर एक रखेंगे। हमने बाद में जो है फिलिंग के अंदर तेल डाल दिया था, आप भी पहले ही तेल डाल दीजिएगा, हम बताना भूल गए। देखिए अब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे क्योंकि कवरिंग में हमने सॉल्ट नहीं डाला था, और ये प्लेट इसके ऊपर हम ढांप देंगे प्लेट से, अच्छी तरीके से इसको प्रेस कर लेंगे। इसमें हम अब पानी डालेंगे, हमने पानी डाल दिया है 2 कप, और अब हम गैस के ऊपर इसको रख देंगे। अब हम इसमें लेमन जूस डालेंगे, ये फुल फ्लेम पे हम इसको 20 मिनट के लिए पकाएंगे। ऊपर से इसको कवर कर लेंगे, अंदर प्लेट रखने का फायदा ये है कि जो रोल्स बनाए हैं वो खुलेंगे नहीं। एक बॉईल लेंगे, अब फिर हम जो है सिम पे इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। फुल बॉईल आ गया है, अब हम इसका जो है फ्लेम करेंगे लो, और इसको आधे घंटे के लिए पकने देंगे लो फ्लेम पर। बहुत ही अच्छी तरीके से जो है कुक हो गए हैं ये, अब हम इसको निकाल के दिखाते हैं आपको। देखिए व्यूअर्स, इसमें जो हमने गार्लिक रखे थे उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। देखिए व्यूअर्स, ये बनकर तैयार हो गए हैं, स्टफ कैबेज रोल बनकर तैयार हो गए हैं, और इसको इसी तरीके से बनाइएगा। तमाम जितने भी इसमें हमने टिप्स आपको दिए हैं, जो ट्रिक्स है इसको फॉलो कीजिए, तो बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे आपके। खाने में बहुत लजीज है, बहुत ही खुशबूदार है, ये लहसुन की बू आ रही है इसमें से पके हुए। देखिए इसे काट के दिखाते हैं इसकी फिलिंग, बहुत ही अच्छे तरीके से, ये देखिए सारा अंदर इसके जो है फिलिंग भर चुकी है और पक भी गई है। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। हमें इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।